नमस्कार, पंजाब की सी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा जी। दर्शकों, बात करेंगे राजकीय प्राथमिक शिक्षा संघ की। तो लगातार 35 दिन से क्रमिक अनशन पर है और मैं आपको बता दूं, क्योंकि लंबे अरसे से यहां पर ये जो निरीक्षण विंग के जो दो अधिकारी हैं उनके तबादले को लेकर के डटे हुए हैं, लेकिन विडम्बना ये है कि 35 दिन आज हो गए हैं इनकी क्रमिक अनशन पर बैठे हुए, लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स जो है वो इन्हें दिया जा रहा फिलहाल, क्योंकि अब ये सचिवालय का रुख करने वाले हैं। कब तक ये सचिवालय का रुख करने वाले हैं? हालांकि बात करें आज की, तो आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी कांगड़ा दौरे पर हैं और ऐसे में कितना उनको उम्मीद है कि सरकार जो है वो उनके पक्ष पे निर्णय लेगी। हालांकि सचिवालय का रुख करने की कहीं ना कहीं ये बात कर रहे हैं, कब तक सचिवालय का रुख करेंगे, क्या आगे की रणनीति रहने वाली है, तमाम सारी जानकारियों पर हम उन्हीं से ही जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके का प्रदर्शन आगे प्राथमिक शिक्षा संघ का रहने वाला है। तो देख सकते हैं मेरे पीछे, क्योंकि यहां पर लंबे समय से बात कर ली जाए, 35 दिन से ये हड़ताल पर यहां पर बैठे हुए हैं। मैं संजय पीसी, राज्य महासचिव हिमाचल प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ। सर, सचिवालय का रुख आप करने वाले हैं, कब से करने वाले हैं? क्योंकि बात करें आपके क्रमिक अनशन की, तो आज 35वां दिन है। आज हमारा क्रमिक अनशन का 35वां दिन है और इन 35 दिनों में जो भी घटनाक्रम रहा है उसमें हमें यही आश्वासन है विभाग की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी, कि क्योंकि 26 तारीख तक जो है वो ट्रांसफर पर बैन लगा था और हमारी मुख्य डिमांड जो है वो यही है कि इनका स्थानांतरण यहाँ से किया जाए, जो दो अधिकारी हैं जिनके ऊपर हमारे आरोप हैं, और उसके बाद जो है इनके अगेंस्ट डिटेल में इंक्वायरी जो है वो की जाए, सारे प्रकरण की जाँच की जाए। तो आज 35 दिनों के बाद आज हमें उम्मीद है, क्योंकि 26 अगस्त तक जो है वो ट्रांसफर्स पर बैन था और आज से ट्रांसफर्स जो है वो शुरू हो रही हैं। तो आज की बात जो है वो शिक्षा सचिव महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय और विशेष शिक्षा सचिव पंकज राय जी ने हमारे साथ की है। हमारी एक टीम राज्य अध्यक्ष जगदीश शर्मा जी के नेतृत्व में शिमला में आज डटी हुई है और वो इस सारे मामले पर जो है वो अपना जो है वो नज़र गड़ाए हुए है और वहाँ पर संपर्क बनाए हुए हैं लगातार। लेकिन अगर हमारी ये मांग जो है, जिस प्रकार से हमारा पूर्व में भी ये है कि अगर हमारी ये मांग जो है आज या कल दो दिन में जो है इनकी ट्रांसफर्स को लेकर के हमारी मांग नहीं मानी जाती है, तो 28 तारीख को हम जो है वो नोटिस जो है वो सरकार को देंगे और एक तारीख से जो है वो प्रदेश स्तर पर हमारा आंदोलन जो है वो शिक्षा निदेशालय या सचिवालय में जैसा भी डिसाइड होता है हम शिमला में करेंगे और इस अनशन को यहाँ से जो है वो राज्य स्तर पर ले जाएंगे। क्योंकि 35 दिन हो गए हैं, बहुत बड़े दिन ज्यादा दिन होते हैं, सचिवालय में भी सचिवालय का रुख करने के बावजूद भी आपको निराशा ही हाथ लगती है, उसके बाद का क्या रुख रहने वाला है? मैडम, सचिवालय में जो हमारा अनशन होगा वो जैसा कि हमने तय किया है कि वहाँ पर हम क्रमिक अनशन न करके जिला कांगड़ा की जो हमारी टीम है वो तो सीधा अमरण अनशन पर वहाँ पर बैठेगी और इसके अलावा बाकी जिले जो हैं जो हमारे पास यहाँ पर पिछले गत दिनों में यहाँ पर आए हुए थे वो जो हैं वो हमारे आंदोलन में हमारे साथ जो है वो वहाँ पर क्रमिक अनशन के रूप में बैठेंगे, लेकिन जो जिला कांगड़ा की हमारी टीम है वो जो है वो सीधा अमरण अनशन की तरफ जो है वो प्रदेश स्तर पर बढ़ेगी। सर, जानना चाहेंगे जो सरकार है या शिक्षा विभाग आप कह रहे हैं, उनके ध्यान में भी जो बदसूकी आपके साथ की जाती है, जो मिसबिहेव आपके साथ किया जाता है, उसके बारे में जानकारी उन्हें भी है? बिल्कुल मैडम, कल हमारे बीच में शिक्षा निदेशक उच्च जो है जिनके अंतर्गत ये हमारा इंस्पेक्शन विंग आता है, उनकी तरफ से इंक्वायरी मार्क की गई थी और अतिरिक्त शिक्षा निदेशक जो हैं वो यहाँ पर आए हुए थे और उन्होंने दोनों पक्षों से बातचीत की है और जब हमारे साथ सारी बात हमने तथ्य सहित उनके साथ की, हर एक डॉक्यूमेंट एक एक डॉक्यूमेंट उनको दिखाया, तो उसमें उन्होंने बहुत सी कमियाँ पाई हैं और हमारे को आश्वस्त किया है और ये उन्होंने अपने मुंह से यहाँ पर कहा है कि वो विभाग भी जो है वो इनकी ट्रांसफर का जो है वो सरकार को भेज रहा है और हम चाहते हैं कि जल्दी ही ये आपका जो आंदोलन है ये खत्म हो और हम आपके साथ हैं और आपकी जो जायज बातें हैं उनको सुना भी जाएगा और भविष्य में जो इंक्वायरी की जाएगी उसमें सारी चीज़ें रखी जाएंगी। फिलहाल यहाँ से रिकॉर्ड जो है वो हमारी तरफ से भी लेके गए हैं, जो हमारे प्रूफ और डॉक्यूमेंट्स थे और इसके अलावा इंस्पेक्शन विंग से भी इनकी गाड़ी की लॉग बुक
की कॉपीज, अन्य डॉक्यूमेंट जो है वो इनसे भी इन्होंने प्राप्त किए हैं, और जो भी हमारी पूर्व में इनके साथ बैठकें हुई हैं उसकी सारी प्रोसीडिंग भी इन्होंने साथ में उसमें साथ में वो अपने साथ ले गए हैं, और दो दिन के भीतर उन्होंने कहा है कि विस्तार सहित वो हमें इसकी पूरी रिपोर्ट देंगे, और इनकी ट्रांसफ़र को जो है वो विभाग भी सरकार को लिख रहा है। लेकिन हमें वैसे ही उम्मीद है कि आज, क्योंकि हमारे शिक्षा सचिव महोदय और शिक्षा मंत्री महोदय जो है वो इस मामले को खुद देख रहे हैं, तो हमें आज के दिन में पूरी उम्मीद है कि आज जो है वो हमारे इनके स्थानांतरण यहाँ से हो जाएंगे, और उसके बाद एक डिटेल इंक्वायरी जो है वो मार्क हो जाएगी। सर, आज जिला कांगड़ा में एक दिवसीय दौरे पे जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आने वाले हैं, तो क्या लगता है कि आपकी मुलाकात उनसे होगी आज? सर, मुख्यमंत्री महोदय से हम नदौन में उनके नदौन प्रवास के दौरान हमारी जो जिला कांगड़ा की एक टीम है वो वहाँ पर उनसे मिली थी, और उन्होंने सारी बात के साथ जो है वो सहमति जताई है, और उन्होंने भी हमें यही कहा था कि एक प्रदेश सरकार ने और जो हमारे मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश हैं उन्होंने मिलकर के निर्णय लिया है कि 26 अगस्त तक जो है वो ट्रांसफर पर बैन रहेगा। तो आज 27 अगस्त है, हमें उम्मीद है कि आज हमारा ये बात हो जाएगी, और अगर आज हमारी मांग जो है मानी जाती है तो कल हम उनका विशेष रूप से नगरोटा बगुआ में धन्यवाद करेंगे, अन्यथा हमारा एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो उनके साथ नगरोटा बगुआ में भेंट करेगा और पुनः उनके साथ उनके समक्ष इस बात को रखेगा कि हमारी इस मांग को जो है वो जल्दी माने, और वैसे भी हम कल जो है वो गवर्नमेंट को नोटिस फिर उसके बाद जो है वो कर देंगे अगर हमारी मांग। हाँ जी, 26 जुलाई तक जो है वो बैन था, और 27 जुलाई से आज बैन खुला है, और आज पूरी उम्मीद है कि ये होगी, अदरवाइज जो है वो कल हम मुख्यमंत्री महोदय से मिलेंगे और उनको स्पष्ट करेंगे कि आज से हमारा नोटिस जो है प्रदेश सरकार को जा रहा है यदि हमारा काम नहीं किया जाता, और अगर वो हमारी मांग को मानते हैं, आज इनकी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो कल हम विशेष रूप से जिला कांगड़ा के प्राथमिक शिक्षक वहाँ पर मिल करके उनको उनका जो है वो विशेष आभार व धन्यवाद प्रकट करेंगे। स्कूल भी शुरू होने वाले हैं, तो क्या लगता है कि बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित ना हो उससे पहले ही ये निर्णय ले लिया जाएगा? बिल्कुल मैडम, वही बात है असली कि हमारे जो प्रदेश स्तर की बैठक यहाँ पर हमने की थी संडे को, उसमें हमने यही तय किया कि स्कूल भी किसी तरह से प्रभावित ना हो। पूर्व में भी हमने जब भी ये धरना ये आंदोलन प्लान किया तो उसको इसी तरीके से प्लान किया था कि हमारे बच्चों की पढ़ाई हमारे इस आंदोलन के कारण जो है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इसलिए निर्णय ये लिया है क्योंकि प्रदेश स्तर पर जो है वो कम लोग जो है इसमें शामिल रहेंगे, अधिकांश पाठशालाओं के ऊपर ये भार जिला कांगड़ा में नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पर इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि स्टेट लेवल पर हम जाएंगे ताकि हमारा जो ये बच्चों की पढ़ाई है वो किसी भी तरीके से प्रभावित जो है वो ना हो।